हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रतन जी टेक्निकल पर आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार शुक्ला आज आप लोगों के समक्ष भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि पिछले कई कमेंट्स में आप लोगों ने भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, आने वाले राष्ट्रपति के चयन प्रक्रिया तथा उनकी शक्तियों के विषय में आप लोगों ने वीडियो की डिमांड की थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्र जहाँ तक राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में भारतीय संविधान में उल्लिखित है, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, या यूं कहा जाए भारत के शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का केंद्र बिंदु राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान द्वारा जो भी शक्तियाँ कार्यपालिका को दी गई हैं, वे सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित हैं। शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार की मानी जाती हैं, पहली राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा देश का मुखिया होता है, सर्वे सर्वा होता है, और राजा की मृत्यु के पश्चात वंशानुगत रूप में राजा का पुत्र उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। लेकिन भारत ने इस व्यवस्था से इतर एक अन्य प्रकार की व्यवस्था को अपनाया, जिसको गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जो देश का सर्वे सर्वा होता है, जो मुखिया होता है, उसका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारतीय संस्थात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति को कार्यपालिका के प्रधान के रूप में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ बिंदुओं को जान लें जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। नंबर एक, भारत का राष्ट्रपति। नंबर दो, राष्ट्रपति की योग्यताएं। नंबर तीन, राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया। नंबर चार, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। नंबर पाँच, राष्ट्रपति को पदच्युत करने की या हटाने की प्रक्रिया। भारत का राष्ट्रपति। भारतीय शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा होता है, लेकिन वास्तव में वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं ना करके भारतीय शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। वास्तव में राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद बनती है वही करती है। नंबर दो, राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। नंबर एक, वह भारत का नागरिक हो। नंबर दो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। नंबर तीन, भारतीय संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नंबर चार, वह पागल, दिवालिया या अपराधी ना हो।